दोन लस घेतल्याला हत्ता तरी मिळालीच पाहिजे, मिळालीच पाहिजे रेल्वे तिकीट मिळाली पाहिजे. खबरों का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज 21 अगस्त को मोरेगांव स्टेशन के बाहर आम लोगों को लेकर रेल यात्रा संबंधी विरोध प्रदर्शन किया. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आज सरकार के खिलाफ मोरेगांव पूर्व में विरोध प्रदर्शन किया. ये प्रदर्शन विपक्ष के नेता मोरेगांव विभाग अध्यक्ष वीरेंद्र विजय जाधव द्वारा किया गया. उनकी मांग है कि लोकल ट्रेन में जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक के साथ पूरी तरह से टीका लगाया गया है, उन्हें मंथली पास के अलावा टिकट की सेवा भी मुहैया कराई जाए. मनसे की मांग है कि ऐसे कई यात्री हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है लेकिन वो कभी कभार ही रेल यात्रा करते हैं. ऐसे में उनके लिए एक बार की टिकट खरीदारी की सेवा ना होकर मंथली पास का ही विकल्प रखना ये महाराष्ट्र सरकार की खराब नीति और आम आदमी की मुश्किलों को ना समझने की विफलता है. जो लोग कभी कभार ही सफर करते हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद भी ट्रेन में सफर करने से वंचित रह गए हैं क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिल रही. ऐसे में मध्यम वर्गीय लोग को वैक्सीन के डोज पूरा होने के बावजूद सफर के लिए भारी जेब खर्च का शिकार होना पड़ रहा है. हमें ये रेलवे के हम लोग रेलवे से निवेदन लेने आए हैं, जिनका दो वैक्सीन हुआ है उनको टिकट इन लोग में जारी करना चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे निवेदन दिया. लेकिन शिवसेना ने निकाला था सर्कुलर कि 15 अगस्त से सबको मिल जाएगा जिन्होंने दो डोज ले चुके हैं. अभी तक मैडम सेकंड वैक्सीन भी लोगों का पूरा नहीं हुआ है, फर्स्ट वैक्सीन की तो बात ही छोड़ दो. हम लोग इनको ऐसा रिक्वेस्ट करें जिनका सेकंड डोज लेने 15 दिन हो गए उनको प्लीज कृपया यहाँ से रेलवे टिकट दे दे, क्योंकि रोज पास निकालने का किसी को जरूरत नहीं रहता है. लेकिन जिन लोगों का दो डोज पूरा हो गया उनके लिए वेरिफिकेशन तो शुरू हो गया है ना. जिनके दो डोज पूरे हो चुके उनका वेरिफिकेशन तो शुरू हो गया है. लेकिन इनको पास दे रहे हम लोग, पास दे रहे हाँ, पास दे रहे हम लोग रोज के टिकट के लिए बोल रहे थे किसी को हॉस्पिटल जाना है. तो आपका मुद्दा ये है कि जिन लोगों के पास अफोर्ड जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पास, मतलब जिन लोगों की एक दो दिन की जरूरतें हैं तो उनको टिकट भी अलाउ किया, टिकट अलाउ करना चाहिए. जिनका सेकेंड डोज हो गया उनको टिकट अलाउ करें, तो कोई अपने काम धंधे पे जा, क्योंकि अभी कैसे वर्किंग लोगों को भी पूरा भी काम नहीं करते, वो लोग ऑल्टरनेट डे जाते हैं, हफ्ते में एक बार जा रहे हैं, तो उनको बस से ट्रैवल करने में भी बहुत दिक्कत होती है. वो ट्रेन से जाएंगे तो और जल्दी पहुंचेंगे, जिधर 2-3 घंटे का प्रवास है उधर वो लोग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे. हम लोग इसके लिए रिक्वेस्ट करें. तो ये थी हमारी आज की खबरें. इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News.